आपका धन्यवाद हो खुदावंद यीशु राजा, सच में आप महान हो प्रभु, पवित्र 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 परमेश्वर हो आप प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। खुदावंद आप ही सब कुछ हो प्रभु, आप ही सब कुछ परमेश्वर। जैसे हम स्तुति करेंगे प्रभु जी, हमें आपके पवित्र आत्मा के आनंद से भर दीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपके आनंद, आपका वचन में लिखा है, मेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, मेरे भवन में शांति है। परमेश्वर आपने कहा अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। खुदावन आपने हम आपकी शांति हमें दी है, पीस हमें दिया है, प्रेम हमें दिया है, आनंद हमें दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महिमा करते, आपकी क्रूस को याद करते जब हमारे लिए कुर्बान हुए, हमारे लिए पाक लहू बहाया, और अभी भी प्रभु आप हमारे लिए हमेशा क्रूस पर जाते हो। जब हम प्रभु गलतियां करते हैं, जब हम खुदावन गलतियां करके किसी का मन दुखाते, फिर भी आप प्रभु क्रूस पर जाते हो, आप हमें एहसास दिलाते हो, आप हमें बताते हो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अपने आप को त्याग दिया है। परमेश्वर आपका लहू हमारे लिए कीमती है, उस लहू से हमें आपने शुद्ध किया है, हमें नया बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना को मांगते हैं, कहते हैं आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, हमें हम स्तुति करेंगे परमेश्वर के भवन में। यहाँ पर हम सभी जने तो नाच कर गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और ये गीत कहता है स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। हमें जब दो जन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि जब दो जन प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना तुम्हारा स्वर्ग तक जल्दी पहुंचता है और जल्दी उत्तर लेकर नीचे आता है। इसीलिए वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा है मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। हालेलुया। इसीलिए ये वचन भी कहा कि जब तुम दो लोग मिलकर प्रार्थना करो, कुछ भी मांगो प्रभु से, पर आत्मा से करो, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। आमीन। यही सॉन्ग स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे कितना प्यार करता है कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उतर के आते हैं। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर की। लेकर नीचे आती है
परमेश्वर कितना महान है और सभी को कह रहा देखो हमारा परमेश्वर कैसे हमसे प्यार करता है। आमीन आमीन। तो हमारा परमेश्वर हमें चढ़ाने वाला है, हमें बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे वो चराता है। हाँ, विश्वास करते हैं कि आपको हरी चराइयों परमेश्वर चराता है। हमें कलीसिया में परमेश्वर लेकर आते हैं और हमें प्रभु के दास दासी के द्वारा हमें एक शिक्षा देते हैं और वो हमें एक सही तरीके से सिखाते हैं। इसीलिए हम इस गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा।
हालेलुया। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो क्या हमारे साथ मेरा प्रभु यीशु रहता है? ये अपने आप से पूछिए। रहता है, मेरे साथ रहता है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं कहूंगी, जब मैं लाइफ में, जब मैं जिंदगी में, जब मैं दुनिया में डूब गई थी, तो मुझे मेरे यीशु मसीह ने बचाया। इन प्रेयर की वजह से, ये मेरी एंजल सिस्टर जून और स्नेहा, इनके वजह से आज उन अंधकार से मैं बची हूँ और ये जगह पे आज मैं खड़ी हूँ। ये बहुत बड़ी टेस्ट मैंने, क्योंकि हर वक्त में जब हम जाते हैं तो मेरा यीशु मसीह मुझे बचाता है, उसके वचनों से, उसके सामर्थ से, उसके पवित्र आत्मा से। क्योंकि वो नहीं तो मेरा कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। ये आप लोगों का भी यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि फिलिपियों में 4:23 कहता है, मेरा यीशु मसीह उसका जो अनुग्रह है मेरे आत्मा पे उतरता है। हालेलुया। क्या आप लोग आप पवित्र आत्मा मांगना चाहते हैं? प्रभु का अनुग्रह मांगिए, जो हम उनका सामर्थ्य वो हमें भर देगा। हालेलुया। आज मैं जब काम कर रही थी, मैं छोटा सा एक टेस्ट मैंने बता दी, जब मैं काम कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इस मंदिर में ऐसा लग रहा था कि करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं इस भवन में साफ सुथरा होना जरूरी है। तो मेरा पवित्र आत्मा पहले से ही है, फिर भी मैं उसको मतलब खीन नहीं करना चाहती, मैं उसको गंदगी नहीं रखना चाहती हूँ। जब मेरा जो मंदिर है, जो मेरा दिल है, जो मेरा आत्मा है, मेरा जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। देता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। सभी लोग देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान।
वर्शिप में जाएंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु जो अभी तेरा प्रेजेंस हम पर उतर चुका है उसको बरकरार रखने के लिए हमें तू और भर दे, ताकि हम जो खाली है तू पवित्र आत्मा से भर दे। सभी लोग अपने आप बंद करके अपने हाथों को ऊंचा उठा के उस नाम को ऊंचा उठाकर आप लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें कोई गरीबी, हमें कोई बीमारी, हम जो हमारे आत्मिक में अंधे हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा जो आंख है खुल जाए, ताकि हम उस ज्योति को देखे जो तूने हमारे लिए प्रकाश भेजा है स्वर्ग से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं और हम कहते हैं कि सभी लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, जो भी आज प्रभु के उपस्थिति में, आज इस समय में, इस वक्त के इस सेकेंड में परमेश्वर ने जो हमें उसका आत्मा दिया है, हम और रिसीव करना चाहेंगे और कहेंगे सभी लोग कि आज जो परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में हैं, आज हम भरना चाहते हैं तेरे पवित्र आत्मा से, आज वो नाम हो जानना चाहते हैं, ताकि वो स्वर्ग से पवित्र आत्मा बरस रहा है, हम वो रिसीव करना चाहते हैं। प्रभु तूने तेरा अनुग्रह हम पर उतारा है, हर सर हर लोगों के सर पे तूने तेरा अनुग्रह उतारा है परमेश्वर, वो आज हमें भर दे, वो पवित्र आत्मा हमें दे दे प्रभु। आज हम परमेश्वर आज तेरे नाम से यहाँ पे खड़े हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आराधना करेंगे और वो सारी तो उठाकर स्वर्ग की ओर,
में।